This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. जी क्या हाल है आप सबका? ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 11 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो प्रीवियस 10 लेक्चर्स तक डिटेल में सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी. अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई, कोई कमी रह गई है कुछ समझने में, या आपको कोई टॉपिक की समझ नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हो. आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह. लास्ट लेक्चर्स तक मैंने सिखाया था, बताया था आप लोगों को बेसिकली कि जो हमने डोमेन लेनी है, जो हमने होस्टिंग लेनी है, वो किस किस तरह से लेनी है. अभी आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली है कि हमने अपनी वेबसाइट कैसे रेडी करनी है. वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मैंने आप लोगों को लेक्चर में समझा दिया था. इसमें जो आपने इम्पोर्टेंट प्लगइन्स करने हैं, उनका फॉर्म Yeah.
प्ले कर लिया और देखते हैं हम तो लगा ये प्लगइन इंस्टॉल करके इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पर हमको गूगल सर्च कंसोल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। AMP का प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ये हमने ये वाला प्लगइन भी इंस्टॉल करना है। ये ऑफिशियल प्लगइन है, ये करना है आपने।
ये स्कीमा, ये प्लगइन, यानी कि ये फीचर जो अनेबल है, इसको करना बहुत जरूरी है। ये हमारी जो वेबसाइट है उसका जो CTR है वो इससे इंक्रीज होता है, क्योंकि जब सर्च रिजल्ट में हमारी वेबसाइट एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होगी तो CTR इंक्रीज होगा। साइड सिस्टम डिस्प्ले करवा सकता। अक्सर आपने साइट देखेंगे उनकी सारी स्टार जैसे ये रेटिंग, ये आपको नजर आ रहा है रेटिंग, ये जो स्कीमा और स्कीमा के अंदर होता है रिच स्निपेट, ये रिच स्निपेट की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये स्कीमा अनेबल ना होता, रिच स्निपेट का फीचर इसमें ऐड ना होता, तो ये सीनेट इस पोस्ट के साथ स्टार्स नजर ना आते। तो बेसिकली ये आप लोगों को बताना था कि स्कीमा हमें अनेबल जरूर करना है। साइट साइट मैप जो है बहुत जरूरी फीचर है किसी भी वेबसाइट की इंडेक्सिंग का। आप लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी किसी वेबसाइट की, वो तब तक रैंकिंग में नहीं आएगी, वो रैंक नहीं करेगी जब तक कि कोई वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी। समझ आ रही बात की? अरे ये बताएं वॉइस एंड स्क्रीन वालेकुम सलाम। अपनी बात माइक ऑन नहीं करना है, आपने कोई भी बात करनी है तो इधर आप चैट में मुझे बताओगे ताकि मैं साथ साथ देखता रहूंगा। ठीक
जो इजाफी प्लगइन्स होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। AWP forms of plugin. फॉर्म में दे दो पेरेंट पेज हम बना लो शॉर्ट कोड ये इस तरह का हम ऑप्शन अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, फीचर बेसिकली ऐड करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट पेजेस है ये किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट पेजेस। प्राइवेसी डिस्क्लेमर ये पेजेस बहुत जरूरी है, चाहे हम फ्लिपिंग की साइट बना रहे हैं, चाहे हम अमेजोन लीड मार्केटिंग की साइट बना रहे हैं, चाहे हम ई कॉम स्टोर बना रहे हैं, चाहे एडसेंस हम जो है एडसेंस की साइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो कि आप लोगों को सबको पता होना।
ये बेसिकली इम्पोर्टेंट पेजेस जैसे प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी अवेलेबल, यानी पहले से अवेलेबल होता है जैसे हमने पब्लिश करना होता है. कॉन्टेक्ट डब्ल्यू पी फॉर्म्स के नाम से जो लॉगिन है उसके जरिए हम करते हैं. अबाउट में हम लिखेंगे कि व्हाई वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट. डिस्क्लेमर में हम लिखेंगे कि लाइक विल स्टोर कुकीज और इस तरह से. अगर आपको कुकीज स्टोर करवाने से इश्यू है तो आप हमारी वेबसाइट को यहीं पर छोड़ सकते हो. इस तरह से डिस्क्लेमर में पहले से ही चीज़ें मेंशन कर देनी है क्योंकि इंटरनेशनली एक लॉ है कि उसमें आप के पेज पे अगर डिस्क्लेमर में ये बताया गया नहीं है कि आप क्या इंफॉर्मेशन यूजर से कलेक्ट कर रहे हो. अगर आप ये चीज़ें नहीं मेंशन करते अपनी वेबसाइट पे कि आप यूज़र से क्या कलेक्ट कर रहे हो तो यूज़र कोड में जाके आपकी वेबसाइट के खिलाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बेसिकली कंप्लेन कर सकता है, जिस वजह से हमारी वेबसाइट ख़त्म हो सकती है, बैन हो सकती है, हमें कोर्ट बुलाया जा सकता है. मतलब ये कोई आम बात नहीं है वेबसाइट स्टार्ट करना, ये सीरियस चीज़ें हैं और ये सीरियस काम है और इस काम को आपने बेसिकली समझना है कि ये है क्या. जी फरहान, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बता दो लेक्चर के बारे में ना. तो ये पेजेस हमने अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं. रैंक मैथ का प्लगइन आप लोगों को मैंने इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग मैंने समझा दी है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई उसमें इश्यू वाली बात है. एएमपी प्लगइन एक्स रिलेटेड मोबाइल पेजेस, अभी इस पे बहस चल रही है कि इसको अपनी वेबसाइट में ऐड किया जाए या ना किया जाए, इस पे अभी बहस चल रही है बेसिकली. तो हम अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी करते तो वेबसाइट पे असर नहीं होता इतना, मतलब मसला नहीं होता. मगर अगर करेंगे तो मोबाइल पे हमारी वेबसाइट स्पीडी लोड होती है. तो ये एएमपी का जो एक्सटेंशन है ये हम इंस्टॉल करने से हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, हमारी वेबसाइट के लिए बेसिकली प्लस पॉइंट होता है. बाकी जो प्लगइन मजीद भी होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसकी सेटिंग में बता दूंगा. अच्छा, जेट पैक का प्लग इन हमने जरूर करना है और वो इसलिए करना है कि जेट पैक का जो प्लग इन है ये हमारी वेबसाइट के लाइक ट्रैफिक के बारे में और सिक्योरिटी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें ये इन्फॉर्म करता है. जेट पैक के प्लग इन को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होता है wordpress.com का अकाउंट. WordPress.com का फ्री अकाउंट बनाना है और फ्री में ही ये जो है एक्टिवेट होगा, हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती. कोई इसमें पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कुछ इस तरह का काम की जरूरत नहीं है.
ये डाउन टाइम चेकर हमने अपकमिंग डेज में करना होता है, इसको इंस्टॉल अनेबल ब्रूट फोर्स अटैक, ये बहुत जरूरी टैलो के फीचर है। हमारी वेबसाइट पे अक्सर हैकर्स अटैक करते हैं तो ये ब्रूट फोर्स अटैक को रोकता है, क्योंकि ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल प्लगइन है जेटपैक, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो अनेबल है, मतलब ये ऑप्शन अवेलेबल है। बेसिकली परफॉर्मेंस में हम आ जाते हैं, अनेबल नेपल राइटिंग में हमारे ये जो शेयरिंग में है ऐड शेयरिंग बटन टू योर पोस्ट और पेज लाइक बटन टू योर पोस्ट, ये जरूरी है, ये हमारी वेबसाइट की सोशल विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेवल सब्सक्रिप्शन ये अनेबल हो गई है, जबरदस्त है। ये जबरदस्त ऑप्शन हैं जो जेटपैक के जो हमने अनेबल कर दिए हैं। आप लोगों ने ऐसे ही सारी सेटिंग करनी है जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जितना भी यूजर होंगे यहाँ पर शो होने लग जाएंगे डे वाइज के, लाइक ग्राफ बनेगा कि कितने यूजर आज आए कितने यूजर कल आए, इस तरह प्रीवियस डेज का आज की डेट का सब डाटा यहाँ पर शो होता है। एक और प्लगइन वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए प्लगइन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, WP रॉकेट के नाम से प्लगइन। आप लोगों के साथ मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डाउन अपलोड करके, WP रॉकेट। आप लोगों को भी मुझे मेरे साथ एक स्टूडेंट ने शेयर किया, मैंने इसको बाय नहीं किया हुआ, बेहतर यही है कि आप लोग इसको बाय कर लो, और ये वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जैसे डोमेन की एज कैलकुलेट होती है रैंकिंग में, वैसे ही जब वेबसाइट हम स्टार्ट करते हैं तो वेबसाइट की स्पीड इम्पॉर्टेंट होती है वेबसाइट की रैंकिंग में। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंपेटिटर्स को हराएं, उनको हम उनसे ज्यादा अच्छी हम रैंकिंग हासिल कर लें, तो हमें इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सारी सेटिंग इसकी शक्ल से इतना निकल आएगी जैसे हम इसमें आर्टिकल पब्लिश करेंगे और इसका थीम चेंज कर देंगे।
minify HTML, remove query strings, minify CSS file, combine CSS file, activate. अच्छा ये इसको हम एक्टिवेट वैसे करने की जरूरत भी नहीं थी, उसकी वजह बता देता हूँ कि हमने इसको क्लाउड फ्लेयर में इनेबल किया हुआ है। और ये इमेजी फाइल प्लग इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए ये प्लगइन भी है। ये इमेजिफाई इंस्टॉल हो गया। इसका अकाउंट साइन अप करना, हमें जैसे अकाउंट बनाएंगे इसको हमें ईमेल आएगी, उसमें एपीआई की होगी, यहाँ पर करेंगे तो साइन अप हो जाएगी। तो ये इसको एक्टिवेट करके और इस प्लगइन का बेसिकली फायदा ये है कि जितने भी हम इमेजेस अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने कोई इमेज अपलोड नहीं की, जितने भी इमेजेस हम अपलोड करेंगे उनको हम कंप्रेस करके वो ज़्यादा तेज़ी से लोड होंगी। तो ये इमेजिफाई प्लगइन जो है इसका ये फायदा है। आज के लिए इतना ही, कल यहीं से मैं आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करूँगा और जो प्लगइन मजीद रह जाएंगे वो प्लस थीम की सेटिंग और उसके बाद आप लोगों को फ्रीलांसिंग की तरह लेके चलूंगा कि कैसे हमने अभी तक जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे इन स्किल्स को यूज करके आप लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर पे अपनी सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि और स्टूडेंट्स भी SEO के दे रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।